जमात है तो वो बीजेपी है, जिन्होंने लोगों की जेबें काट काट के अपनी जेबें भरी। अपना जो एक एक एमएलए की बोली 50 करोड़ रुपए। अमित शाह साहब, जब आप परिवारवाद की बात करते हो, शहजादे की बात करते हो, आपको अपना शहजादा जयशाह याद नहीं आता? आपको अरुण जेटली जी का बेटा याद नहीं आता? आपको ज्योतिराज सिंधिया का बेटा याद नहीं आता? आपको अनुराग ठाकुर याद नहीं आता? आपको साहेब सिंह वर्मा का छोटा बेटा याद नहीं आता? किस जमहूरियत की बात करते हो? कौन सी जमहूरियत आपने लाई? आपने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग चुनते एक सरकार को, आप पैसा लेके ईडी के जरिए उस सरकार को गिराते हो और अपनी सरकार बनाते हो। एक बीजेपी का लीडर बताओ जिसने आजादी से पहले जेल गया हो, मुझे बताओ खुदा के लिए। जान तो बहादुर की बात है। इनके पास एक ही स्टेट में 16 ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद है। पीयूष गोयल के बाप का क्या नाम है आपको मालूम है? वो किसका बेटा है? धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है किसका बेटा है? अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो, वो किसका बेटा है? ज्योतिराज सिंधिया उसका बाप कौन था? निर्मला सीतारमन का हस्बैंड कौन है? अगर मैं नाम पढ़ने लगूं तो जितने सारी पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, समाजवादी, आरजेडी मिलके जितने लोग उसमें होंगे उससे 10 गुना बीजेपी में है। इसमें मैं पली बड़ी हूँ और आज मुझे अफसोस होता है कि जम्मू के लोगों को इन्होंने कहाँ पहुंचाया हुआ है। जम्मू में कितनी तकलीफ है लोगों को, मगर बात नहीं करते। कहते हैं अगर बात करेंगे बोलेंगे, देखो ताना देंगे, तुम्हीं ने तो बीजेपी को साथ दिया, तुम्हीं ने तो बीजेपी को लखनपुर से यहाँ लाया। जम्मू के लोगों का दम घुटता है, बोले तो किसको बोले, क्योंकि ताना दिया जाता है जम्मू के लोगों को कि आपने बीजेपी को लाया। और ये सही है, अगर जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता 2014 में, तो मुफ्ती साहब जम्मू की खातिर फिर बीजेपी के साथ शायद हाथ नहीं मिलाते। हो सकता है वाजपेयी जी का एजेंडा चलाने के लिए मिलाते, मगर मुफ्ती साहब ने बीजेपी क्या साहब, उन्होंने बड़ा खुलासा किया हमने यहाँ क्या क्या किया। मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आज तक तो कहते रहे आपको कि कश्मीरी आपका दुश्मन है, 370 आपका दुश्मन है, 370 हटाएंगे सब ठीक हो जाएगा, यही कहा ना कि यहाँ दूध और शहद की जो है नदियां बहेंगी, यही कहा था ना कि आपका जो हिस्सा है वो कश्मीरी खाते हैं, यही कहा ना। और आज क्या कहते हैं, आज जम्मू वालों को कहते हैं हम आपको जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, यही कहते हैं ना। चीफ मिनिस्टर क्या इनको बनाना है या आप लोगों को बनाना है? और ये तो बना सकते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो जम्मू का क्यों नहीं बनाया? जो आप बना सकते थे बीजेपी वालों, वो आपने क्यों नहीं बनाया? आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपी से, बिहार से, इधर से उधर से क्यों लाया? क्या जम्मू में इस काबिल कोई नहीं था? अरे किसी को ना सही तो करण सिंह जी को ही बनाते, महाराजा हरि सिंह उन्हीं को बनाते। छुट्टी तो आपने उनके दादा परदादा के नाम दे दी, मगर उनको ही बना लेते, किसी और को बनाते, किसी बीजेपी वाले को ही बनाते, पर बनाते तो सही। आप तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो तो लोगों ने बनाना है। अगर वो ना सही तो जम्मू का चीफ सेक्रेटरी ही बनाते। क्या खामोश हो जाइए, क्या जम्मू में कोई इस लायक नहीं है जो गवर्नर साहब का एडवाइजर बन जाता? कोई नहीं इस लायक, ताकि जम्मू के लोग उसके पास जाके उसको अपनी दुख दर्द सुनाते। चेयरमैन जेके बैंक दुहाई देते रहे, कश्मीरियों ने खाया, कश्मीरियों ने खाया, तो कम से कम चेयरमैन जेके बैंक ही बनाते जो जम्मू के इस वक्त